हाय गाइस, वेलकम टू ऑल फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा। बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ग्रीन बेल पेपर है कटी हुई, 2 टेबलस्पून है येलो पेपर, 2 टेबलस्पून रेड बेल पेपर, 2 टेबलस्पून है कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून टमेटो केचप। इसमें हम अपनी सारी सीजनिंग डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस बनाने वाली, तो हमारी झटपट से बनने वाली पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। 1/3 कप है मोज़रेला चीज़, और यहाँ मैं ले रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, और ये सारी सीजनिंग मैं 1/8 टीस्पून यूज़ करूँगी। 2 स्लाइसेस हैं ब्रेड की, और मैंने ब्रेड टोस्ट करके ली है। जब हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए ब्रेड टोस्ट करके लेते हैं तो पिज़्ज़ा हमारा सॉगी नहीं होता है। और अब हम बनाएंगे हमारी टमेटो केचप के साथ पिज़्ज़ा सॉस, और मैं सारी सीजनिंग डाल दूंगी उसके अंदर, और जो चिली फ्लेक्स हैं वो हम लास्ट में डालेंगे पिज़्ज़ा के ऊपर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और हमारी पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी है। अब मैं सॉस को इवनली स्प्रेड कर दूंगी ब्रेड के ऊपर, और एक बेकिंग ट्रे के ऊपर रख दूंगी ब्रेड को, और मैंने टोस्टर ओवन को भी प्रीहीट कर लिया है 375 पर, और मैं पिज़्ज़ा को 7 से 10 मिनट के लिए बेक करूंगी। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हो। आप इसको लो फ्लेम पर बनाइएगा अगर आप तवे के ऊपर बना रहे हो, और इसको कवर करके बनाइएगा। बहुत ही आसानी से बन जाता है तवे के ऊपर भी। और मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए उसके अंदर नमक नहीं डाला है, क्योंकि गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर के अंदर नमक होता है, तो मैंने उसको स्किप किया है। लेकिन आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो नमक। और हमारा पिज़्ज़ा भी असेंबल हो गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आप कभी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाओगे तो आप ब्रेड को टोस्ट करके ही लीजिएगा, उससे ब्रेड बिल्कुल सॉगी नहीं होती है, और पिज़्ज़ा की जो शेप है बहुत अच्छी आती है। और अब हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे 7 से 10 मिनट के लिए, और हमारा पिज़्ज़ा बनके रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है पिज़्ज़ा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।